हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज, आज मैं बात करूँगा शेडिंग के बारे में, जो आप लोग पोर्ट्रेट में यूज़ करते हैं और हम मैं भी यूज़ करता हूँ। और स्मूथनेस के लिए बात करेंगे, क्या क्या मटेरियल आप हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलते हैं गाइज, और मैं इस पर रिव्यू देता हूँ और चलते हैं गाइज, और मैं आप लोग को इस पर प्रैक्टिकल बताता हूँ क्या 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 आप लोग यूज़ कर। तो गाइज, अभी हम लोग इस पर ट्यूटोरियल दे रहे हैं। ये एक ब्रश जो हम लोग सेटिंग टाइम यूज़ कर सकते हैं, स्मूथनेस टाइम। कॉटन बड भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर स्टैम्प भी यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, मैं आज इस पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, मैं चलता हूँ, पहले बात करता हूँ ब्रश के लिए। तो गाइज, जो हम लोग सेटिंग करते हैं उसमें क्या कैसे यूज़ होगा, तो मैं अभी उस पर रिव्यू दूंगा। तो चलते हैं गाइज, और आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे किस जगह का क्या यूज़ होता है। तो चलते हैं गाइज। मैं 3 ग्रेड का पेंसिल ले लिया हूँ, और 2B है, 4B है और 8B है। तो चलते हैं गाइज और देखते हैं, दिखाते हैं आप लोग को अभी। तो चलते हैं गाइज। तो गाइस, मेरा सेटिंग हो चुका है और मैं चारों से आप लोगों को यूज़ करके दिखाता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले ब्रश का यूज़ करता हूँ। और तो गाइस, ब्रश का तो हो चुका है, और चलते हैं यूज़ करते हैं कॉटन बट का। तो गाइज, यहाँ कॉटन का बट का भी यूज़ कर चुके हैं, और चलते हैं यूज़ करते हैं पेपर स्टम्प का। ये देखिए गाइज, तो गाइज पेपर स्टम्प का भी काम हो चुका है, और आखिरी बचा हुआ है टिश्यू पेपर। तो हम लोग टिश्यू पेपर का भी यूज़ करते हैं। तो गाइज, अभी हम लोग चारों चीज़ को यूज़ किए हैं, और ये देखिए गाइज, इसका भी यूज़ किए हैं और ब्रश का भी। तो गाइज, होता क्या है कि हम लोग जब यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अगर सेटिंग स्मूथनेस निकालना पड़ता है, तो हम लोग टिश्यू पेपर ज़्यादा बड़ा लार्ज ड्राइंग में यूज़ करते हैं। तो गाइज, टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं हम लोग उस समय। और पेपर स्टम्प यानी कि पेपर पेपर एक जैसा टकराता है, तो हम लोग को वो स्मूथनेस बहुत अच्छा दे देता है। कॉटन बट से होता है बट वो टेक्सचर नहीं आता है। और ब्रश, आप अगर चारकोल यूज़ कर रहे हो उसको फैलाना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं ब्रश का भी। तो गाइज, मैं इस ड्राइंग में दिखा रहा हूँ। तो गाइज, इसमें जैसे कि यूज़ किया गया है कॉटन बट का, जैसे कि मैं यूज़ किया हूँ, तो इसमें यूज़ किया हूँ इसका स्किन टेक्सचर जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गोरा। तो गाइज, इसमें टिश्यू पेपर नहीं मैंने ऐस यूज़ किया है, क्योंकि हल्का हल्का चलाना पड़ता है इस पर। और जो यूज़ करते हैं, तो गाइज जैसे आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या, जैसे मैं इन चारों के बारे में बताता हूँ, टिश्यू पेपर के बारे में इनका क्या काम होता है। तो गाइज, मैं इन पर आज बताता हूँ। ये देखिए गाइज, ये 1 नंबर है। तो गाइज, 1 नंबर का क्या यूजिंग होता है, तो गाइज ये काफ़ी छोटा लार्ज एरिया में जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसे। और ये देखिए गाइस, हम लोग जैसे कोई भी टेक्सचर अगर देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से टेक्सचर निकालता भी है।
क्योंकि हर क्रेट का हर काम रहता है। और यहाँ पर देखिए गाइस, हर गेट हर जगह आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से बताया। और ब्रश का काम चारकोल में आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं ब्रश का काम से। और टिश्यू पेपर, यानी कि आप लार्ज एरिया में अगर काम कर रहे हो तो टिश्यू पेपर से काम करो। और कॉटन बट आई थिंक कर सकते हो यूज़ जहाँ आपको सस्टेबल लगे, बट मैं तो अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और चलते हैं गाइज। तो गाइज, आज मैंने बात किया उन टूल्स के बारे में जो हम लोग सेटिंग टाइम सुबह टाइम यूज़ करते हैं। और अगर आप लोग को इसमें से सीखने का कुछ अच्छा लगे तो गाइज आप लोग सीख भी सकते हैं। और सीखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत कोई सीखना चाहता है। तो गाइज अगर आप उसको भेजेगो तो गाइज वो देखेगा, और मतलब कि सीखने का अगर उसका इच्छा होगा तो गाइज वो सीखेगा ही सीखेगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं सीखेगा। तो गाइज होता है कि बहुत कोई अपने अपने ड्राइंग को मतलब कि सीखना चाहता है और इम्प्रूव करना चाहता है। तो गाइज मेरे वीडियो को आप लोग देखें, क्योंकि अब मैं इस पर कुछ ना कुछ डालते ही रहूँगा, क्योंकि मैं अभी कम से कम पोर्ट्रेट ही डाल रहा था या कोई भी ड्राइंग डाल रहा था। तो गाइज अब मैं इस पर ट्यूटोरियल भी डालूंगा, तो आप लोग गाइज देखें, लाइक करें। तो गाइज मुझे ही बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आप लोग से गाइज जल्दी ही, क्योंकि आज मैंने दिया इस पे ट्यूटोरियल। तो चलते हैं गाइज, बाय।